नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने लाया हूँ लास्ट वीडियो ऑफ एवेलिन ग्लेनी। इन माय लास्ट टू वीडियोस वेयर आई हैव डिस्कस अबाउट एवेलिन ग्लेनी द साउंड ऑफ म्यूजिक पैसेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 7, 8, 9, 10 पैसेज। As you know that Evelyn Glennie was 17 years old when she performed in the Royal Academy of Music in London, and she scored the highest mark in the history of Royal Academy of Music. And now, when the conversation was going on between Evelyn Glennie and Deborah Cowley, then Deborah Cowley, he asked, "How does Evelyn hear music?" This is one of the important questions. How does Evelyn hear music? Then Evelyn explained to him, as for music, it pours in through every part of her body. When she plays the xylophone or any other instrument, it pours in through every part of her body. It tingles in the skin, her cheek bones, and even in her hair also. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, leaning means jhukna, when she was playing xylophone, she always tried to lean against the drum. Why she leaned against the drum? By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. Now, resonance, what is the meaning of resonance? Echoes of sounds. जब भी एवेलिन xylophone बजाती थी, उसका जो body था, body ड्रम के साथ लगा हुआ रहता था, बिकॉज शी कुड नॉट हियर, दैट्स व्हाई शी वांटेड टू फील द वाइब्रेशन ऑफ द इको ऑफ द साउंड्स। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, जनरली व्हाट डज एवेलिन डू, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड ऑफ हर लेग्स। तो सिंपल सी बात है, जब एवेलिन वुडन प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करती थी तो जनरली शी पुट ऑफ हर शूज, चप्पल जूते जो भी थे वो खोल के खाली पैर वो वुडन प्लेटफॉर्म में बजाती थी। शी वांटेड टू फील द वाइब्रेशन दैट कैन पास थ्रू हर फीट इनटू हर बॉडी। And next passage in 1991, what Evelyn gets? It's a very interesting thing that Evelyn delights her audience in every aspect. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. In 1991, this is a very important award, and after that she got several awards. So in 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. And then one of the master percussionists, as I have already discussed about him, James Blades. James Blades, he said to Evelyn Glennie that God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. उन्होंने क्या बोला? जे God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels.
जो हम लोग सुनते हैं, व्हाट वी हियर, शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. सो दैट इज व्हाई जेम्स विलेट से दैट इज व्हाई एवेलिन एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. एंड 9 नंबर पैसेज, एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक. ए वर्कहोलिक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कहोलिक? जो इंसान हर वक्त काम ही काम करना चाहता है उन्हें बोला जाता है वर्कहोलिक. हर वक्त काम, 24/7 अगर उनको काम दिया जाए वो खुश रहते हैं, खाली काम करना पसंद करते हैं. दैट पर्सन इज कॉल्ड ए वर्कहोलिक. एंड इवन एवेलिन ग्लैनी हर जगह पे परफॉर्म करती थी एंड मोस्टली टू प्लेसेस शी ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट. दो जगह ऐसा जहाँ पे वो फ्रीली म्यूजिक बजाती थी, उनके लिए कोई चार्ज नहीं लेती थी. वो दो जगह है, एक था हॉस्पिटल और एक था प्रिजन. इसीलिए शी ऑल्सो गिव हाई प्रायर टू द यंग म्यूजिशियंस. जो जो छोटा छोटा म्यूजिशियंस है उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे. एंड रैचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेल्स. एंड रैचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेल्स शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन. एवेलिन ग्लैनी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. दे सी व्हाट और दिस से दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो. उनके लिए ऐसा नहीं है, जो डिजेबल इंसान है वो कुछ नहीं कर सकते हैं. इज अ रियल हीरो एवेलिन इज अ रियल हीरो और आइडियल पर्सन फॉर देम टू गेट मोटिवेट. शी इजिली मोटिवेट द डीफ चिल्ड्रन और डिजेबल पीपल. डिजेबल पीपल दे कैन गो एनी वेयर. इफ एवेलिन कैन डू देन वी ऑल्सो कैन डू. And last paragraph, this is the endings of the conversation between Deborah Cowley and Evelyn Glennie. Has accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. उनका जो उम्र था उसका उम्र से दुगना उम्र वाले को ये accomplish करते थे. Enjoyment, मोटिवेशन, हर तरीके से. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू इन फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू आई कैन. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनर्मस प्लेजर टू मिलियंस. ऑब्वियसली शी gave enormous pleasure to the millions. So Anne Rachlin, who said that she is a shining inspiration for the deaf children. And here in the last passage, we came to know that she is really can motivate the disabled people too. And they are thinking, if Evelyn can do, then we also can do. It's a very interesting story about Evelyn Glennie. I hope you like this video, and if you like, please write anything. If you like it, then also, if you don't like, then also please write in the comment box. Then I will be motivated by yourself. Thank you. Have a nice day.